गायत्री जो तीन बार गाए जाए उसको कहते हैं गायत्री, प्रातकाल, मध्यान्ह काल और सायंकाल। विशेष सनातन धर्मियों को तो गायत्री का अवश्य जाप करना चाहिए। गायत्री से अनेक कष्टों का निवारण होता है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। यहां किसी देवता का नाम नहीं लिया व्यास जी ने, राम कृष्ण कहकर के नहीं पुकारा, केवल सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप हैं उन भगवान का हम ध्यान करते हैं। जय हो। ये मंगलाचरण में तीन श्लोक हैं। एक बार भगवान राम और जानकी लक्ष्मण वन को गए तो लक्ष्मण जी तो कहीं कंदमूल फल लेने के लिए गए तो सीता जी ने अपने चरणों की तरफ देख करके बोली, बोले भगवान आपसे ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। राम जी बोले नहीं सीता जी, आपसे ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। सीता जी बोले नहीं महाराज मेरे चरण सुंदर हैं। राम जी बोले नहीं चरण तो मेरे सुंदर हैं। दोनों में विवाद हो गया, फैसला कौन करे। बोले लक्ष्मण जी को आने दो, कंदमूल फल लेने गए हैं वो फैसला करेंगे। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर के आए तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण आज तेरी भाभी के बीच में और हम में विवाद हो गया है, लड़ाई हो रही है, फैसला तुझको करना है। लक्ष्मण बोले ना ना भगवान आप अपने झंझट में मुझको मत फंसाओ। बोले नहीं यार तीसरा आदमी कोई है तो है नहीं, तुमको ही करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले तेरी भाभी सीता कहती है कि मेरे चरण सुंदर है और मैं कहता हूं कि चरण मेरे सुंदर है, अब तू ही बता चरण सुंदर किसके है। लक्ष्मण जी ने पूछा बोले महाराज कोई बुरा तो नहीं मानेगा। बोले नहीं। तो झट सीता जी की तरफ इशारा कर दिया। सीता जी खुश हुई बोले वाह ठहरो आपसे ज्यादा चरण सुंदर प्रभु के हैं। अब भगवान खुश हुए नाचने लगे, भगवान को रोका, भगवान इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं कि आपका आचरण सुंदर है। चरण किसके छुए जाते हैं जिसका आचरण सुंदर हो, संतों के बुजुर्गों के। भैया बहुत से लोग खूब साफ रखते हैं पैरों को, खूब साफ रखते हैं, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो मुंह को साफ, मुंह से भी ज्यादा पैर साफ मिलेंगे उनके चरण, उनकी पैरों को ही दिशा रहती है, पर वे सुंदरता नहीं कहलाती। सुंदरता चरणों की तब है जब हमारा आचरण सुंदर हो।